चलो 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 ग्वालियर के एसपी कार्यालय में सभी पुलिस जवानों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान नन्हे मुन्ने हाथों से उन्होंने सभी पुलिस जवानों और अधिकारियों को राखी बांधी, जिसे देखकर कई लोग तो भावुक भी हो गए। इतना ही नहीं, इस दौरान बच्चे पुलिस के साथ इतने सहज महसूस कर रहे थे मानो यह उनका घर हो, जिसे देखकर पुलिसकर्मी भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। बच्चों द्वारा बांधे गए रक्षा सूत्र से संदेश जाता है कि पुलिस भी हमारे बड़े भाई की तरह है, जो गलत करने से रोकती है और हमारी सुरक्षा भी करती है। इस दौरान सीएसपी अशोक सिंह जादौन का कहना था कि जिस तरह से बच्चों ने सहजता दिखाकर पुलिस के साथ अपने संबंध स्थापित किए हैं, उसी तरह आम जन को भी अपने समस्याओं को हमें बिना झिझक के बताना होगा। लिटिल मेरे नियम करते हैं, तो उसके कुछ बालिकाएं आई थी यहाँ पे, उन्होंने माननीय एसपी साहब को और जो स्टाफ है सबको अग्रिम रक्षाबंधन की बधाइयाँ दी, राखी भी बांधी है और काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ही थे, 4 से 5 साल के, काफ़ी अच्छा लगा पूरे स्टाफ को उनके साथ त्यौहार को मना के सेलिब्रेट करके, और वो लोग भी काफ़ी पुलिस से जुड़ाव महसूस कर रहे थे और उनसे काफ़ी सारी बातचीत हुई और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने राखी। और बातें हुई उनसे थोड़ी सी, और जो बच्चों की शरारतें हुई वो अपने ऑफिस को अपना स्कूल और घर जैसे ही समझ रहे थे, एसपी ऑफिस को। तो इसके माध्यम से ये संदेश जाता है कि आम पब्लिक भी है, वो भी अपनी समस्याओं को लेके कोई झिझक ना रखे, कोई ऐसी चीज़ ना रखे कि पुलिस आपके लिए नहीं है। पुलिस के साथ कोई असहजता नहीं होना चाहिए, पुलिस एक साधारण आपकी मित्र है। और इसी संदेश के साथ वो बच्चे ये संदेश देना चाह रहे थे कि जैसे बच्चे जो सहज हो रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस के पास किसी मनोवृत्ति के साथ नहीं आते हैं, ऐसे ही आम पब्लिक भी आए और अपनी समस्याओं के लिए बिल्कुल खुलकर बात करें।